आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भाजपा डग विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में क्षेत्र में डग विधानसभा क्षेत्र का दौरा रहा, जिसके तहत वसुंधरा राजे देर रात्रि में चौमहला गंगाधार क्षेत्र में पहुंची, जहां दर्जनों जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी मशीनों से दर्जनों जगह पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह, श्याम सुंदर शर्मा प्रत्याशी कालूराम मेघवाल सहित कई संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा। राजे ने चौमहला में कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कहा, पुराने नेताओं को याद कर क्षेत्र को पारिवारिक रिश्ता बताया। ये तो हमारा है, परिवार ने जो कहा मांगा वो हमने किया, जिसका परिणाम है आज क्षेत्र के किसान उन्नति की ओर अग्रसर है। हमने क्षेत्र में पानी बिजली सड़क को लेकर कई कार्य किए हैं। राजे ने संबोधन में कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी है, जिसे जाना है जाए, आना है तो 25 नवंबर से पहले आ जाए, फिर हम नहीं जानते। वही कहा कि डग से भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी एक ही है, जिसे मोदी जी, योगजी और वसुंधरा राजे भी मानती है और सब भ्रम फैलाया जा रहा है। फिर रात्रि 3 बजे राजे उन्हेल नागेश्वर पहुंची। इस दौरान रास्ते के तलावली, बामन, देवरिया, उन्हेल गांवों में देर रात्रि में आतिशबाजी कर स्वागत हुआ। उन्हेल में वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह, राजेंद्र सिंह टीम की मौजूदगी में कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष चैन सिंह कई संख्या में अपने कई संख्या में समर्थकों के साथ उन्हेल नागेश्वर में भाजपा ज्वाइन की, जिनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। शनिवार सुबह राजे ने कार्यकर्ताओं से मिल चर्चा कर नागेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शन कर हेलीकॉप्टर से प्रस्थान किया। रोड शो के दौरान यंग स्टार क्रिकेट क्लब चौमहला के युवाओं ने वसुंधरा राजे को ज्ञापन देकर खेल मैदान की मांग की। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन की रिपोर्ट। अपना इलाका है जिसके अंदर अच्छा पानी है, तो इसलिए अगर अपन उस पानी को बांध लेते हैं और उसके बूंद बूंद को अपने लोगों तक पहुँचाने का काम कर देते हैं, तो ये भूमि सोना उगलेगी। भैया अपने को ये तय करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो अपन कनाल के थ्रू कुछ अपन पाइप के थ्रू, कुछ अपन स्प्रिंकलर के थ्रू अगर अपन पहुंचाएं। गंगानगर में हम लोगों ने ये भी किया है कि डिग्गियाँ बनाई हैं इतनी बड़ी, उसके अंदर पानी अच्छा गहरा है, उसके अंदर पानी भर के रखो, तो पानी भर के रखोगे तो वो धीरे धीरे जब ज़रूरत पड़ेगी उसको भी काम में ले आओगे। तो ये सब चीज़ों को अपने को इस्तेमाल करना है। और मेरा मानना है कि अगर अपन ने किया तो झालावाड़ जैसा डिस्ट्रिक्ट जिसमें कमाई आपके खेतों से माने बेशुमार हो जाएगी। अभी भी मैंने सबके देखे, बीच में ऐसे लोग नहीं है जो गड़बड़ सड़बड़ कर बट तो ऐसा कौन सा परिवार होता है जिसमें सब दूध के धुले है ना, कोई ना कोई तो होगा जिसकी लड़ाई एक दूसरे से होगी, तो चलता रहता है। परंतु जो बातें अपन लोगों ने शुरुआत में की वो बातें आज पूरी हुई हैं। यहाँ लालचंद जी की दुकान, और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये वही चौमेला है जिसमें पहली बार आए थे तब टमाटर पे थे। वही है। और अपन लोगों ने याद है कुछ लड़के थे आपके परिवार, आप लोग तब, हम लोग सब छोटे थे उम्र में, और उस समय मुझे याद है कि हम लोगों ने कहा कि भैया चलो टमाटर बिके कुछ भी आए अपन लोग तो चलेंगे, अपन ने कुछ किया है चौमेला के ऊपर, चौमेला के ऊपर तो क्या है तब तो लालचंद। तो मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि 25 तारीख तक तो परिवार बड़ा दिल रखेगा, जिसको आना है आ जाए वापस, ये अपना परिवार है उसके अंदर जरूर आए। 25 तारीख के बाद गेट बंद, उसके बाद जिसको जाना है जाए। हमने तो कौन सा समय नहीं देखा, वो टाइम भी देखा। मुझे याद है कि मैं पहली दफा आई थी तो चौमेला के अंदर जैसे टमाटर चले, हमने वो भी देखा है, और उस सब चीजों में से निकल के अपन ने ये परिवार बनाया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब वो सब देख लिया है तो ये भी देखेंगे, परंतु 25 तारीख के बाद गेट बंद। और मैंने